गुड मॉर्निंग मेरे पूरे वाईटी परिवार के सभी सदस्यों को। आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नया ब्लॉग लेके मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। शुरू करते हैं। आज का दिन है 3 नवंबर और ये देखिए शुरू हो चुका है दिवाली का प्रिपरेशन। तो इस बार हम लोग ज़्यादा कुछ लाइटें वगैरह नहीं लिया। ये एक छोटा सा लंटन है जिसका मैंने मोटर को डिसमेंटल कर दिया था, गुरुदेव वही लगाया। और ये कुछ स्टार लाइटें हैं और वही लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी सुबह का बज रहा है 12। तो ऐसा मॉस्किटो नेट वगैरह सब कुछ ये हटा के अभी मैदान में उतर जाएंगे सारे चीज़ को लेके। और मैं आज इनका हेल्पर हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है, देखिए ऐसा रेलिंग है और छोटा छोटा ये बालकनी है हम लोगों का, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, छोटा सा ही फ्लावर बेड है। तो वही आज किया मैंने, उसको हेल्प किया। तो धीरे 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 चुटुर पुटुर करके जैसे जहाँ पे कनेक्शन लगा के करना चाहिए कर लिया, तो ऑलमोस्ट डन हो गया। अभी जस्ट प्लग को इंसर्ट करके स्विच देखे कनेक्शन चेक करना। वाव, ये जल गया हमारा लंटन, जो लंटन से आज का ब्लॉग शुरू किया था। तो देखिए ये डे टाइम में लंटन कुछ इस तरह से घूम नहीं रहा है, दिख रहा है। नाइट में कैसा दिखेगा तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए रात को नज़ारा कुछ ऐसा है और नीचे से देखने में बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। तो कल नीचे उतरूंगी तो मैं ये सारे जो लाइटिंग छोटा मोटा ही है, थोड़ा थोड़ा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इस बार लाइट का प्राइस बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने कुछ लाइट एक्चुअली लेट हो गया परचेस करने में तो नहीं किया। ये ओल्ड ही लाइट है सब। और ये दिवाली का जो त्यौहार रहता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो दूर का बिल्डिंग देखिए, वो बिल्डिंग इतना सुंदर लग रहा है ना कि खाली आँख से बहुत मन कर रहा था दिखाने को आप लोगों को, लेकिन मैं ढंग से दिखा नहीं पाई। देखिए तब पर भी मेरे घर में जितना लाइट लगा हुआ है और उसका जैसा इफ़ेक्ट आ रहा है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा एक दिवाली है दुकान से मैंने ब्लॉक किया था, याद है। ये मेरा बेटा का रूम है और ये थोड़ा अंदर है। यहाँ मैं पूरा कपड़ा टांगती हूँ, इसके लिए मैं ये यहाँ का जो फुटेज है वो ढंग से नहीं ले पाई। तब पर भी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि जहाँ पर भी है हम लोग ने कोशिश किया लाइट लगाने के लिए। तो एनीवे आजू बाजू बिल्डिंग में का भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मेरा बैक रूम है तो क्या हुआ, इन लोगों का ये फ्रंट रूम है, हॉल रूम है। और सर इस सारे जो जगह है मैं और मेरे बेटे ने ही लाइट को लगा के मतलब सेट किया। इस बार हर साल जॉयदीप करता है लेकिन इस बार जॉयदीप नहीं तो हो गया ये। फिर देन ये देखिए टेंसिल है रंगोली का। तो बंगाल में एक्चुअली पता नहीं अभी ये होता है कि नहीं, अब हम लोग जब बचपन में छोटे थे तब तो नहीं होता था, लेकिन मैं जब से बाहर आई, साउथ इंडिया में आई, देन महाराष्ट्र में आई, तो देखी कि यहाँ के लोग बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं, लेकिन हम मुझे उतना अच्छा नहीं आता है। तो ये टेंसिल के ऊपर ही रंगोली का रंग लेके ये दोनों कर रहे हैं। करते करते 7 बजने को गया और आज के दिन हम लोग 14 दिया जलाते हैं जिसमें पुराने दिया होना मस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पुराने दिया है, वो काला काला है, वो लास्ट ईयर का दिया है, और जो सुंदर एकदम है ब्राउन ब्राउन वो नया दिया है। 14 साग खाने का भी रिचुअल रहता है, 14 साग बोलते हैं बांग्ला में, लेकिन मुझे यहाँ पे तो साग ही नहीं मिलता उतना ज़्यादा और 14 साग मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो कोई नहीं, साग नहीं तो कुछ नहीं, मैं उतना नहीं मानती हूँ, लेकिन 14 दिया ज़रूर जलाती हूँ। और ख़ास करके ये दिया जलाना होता है प्रेत लोगों के लिए, भूत चतुर्दशी बोलता है। तो चलिए पहला कोई भी चतुर्दशी हो कुछ भी हो तो जो रंगोली बनाए हैं रंगोली के अंदर दिया लगाना मस्ट होता है। तो पहले बच्चों लोग
लोगों को दे के मैं ये काम करा लिया। देन रिचुअल ऐसा होता है कि यम की द्वार पे दिया देने का रिचुअल होता है, तो वो काम मैं बाद में करती हूँ, पहले रंगोली में मैं दिया डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रंगोली शुभ है, अच्छा लगता है घर के सामने। ऐसा देखिए, बहुत ही क्यूट टेंसिल ली है, लेकिन रेड कलर मुझे हमेशा पसंद है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो हो गया छोटी दिवाली का प्रिपरेशन। और फिर ये देखिए, जो प्रेत लोगों को दिया जाता है बत्ती, जम के द्वार पे दिया कहा जाता है कि बत्ती मतलब लगाया जाते हैं, तो मेरे जो पूर्वज है उन सभी के लिए, सभी प्रेत लोग में जो लोग हैं उन सभी के लिए पुराने दिए, देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक लास्ट ईयर का दिया है। पता नहीं जिनके लिए ये दिए जलाए गए हैं वो लोग देख भी रहे हैं कि नहीं, आई होप वो लोग देख रहे हैं। खास करके दीपावली के समय मेरा फादर का याद मुझे बहुत आता है, क्योंकि ये सारे चीज़ वो ही करते थे। चलिए, दिया लगाना तो हो गया, अभी थोड़ा नज़ारा बाहर का भी कोशिश करती हूँ दिखाने के लिए। देखिए ये बिल्डिंग मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सभी बैल्कनीज में इतना सुंदर लाइट ये लोग लगाए हैं कि पूछिए मत, पूरा चमक गया है बिल्डिंग। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे कैमरा से तो कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तब पर भी शेयर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए नीचे दुकानें वगैरह, पूरा लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। और ये है मेरा छोटा सा बालकनी, जो सुबह मैं और मेरे बेटे ने इसको सेट किया, कल नीचे से ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो था दिया लाइट रंगोली, इसी के ऊपर बेस करके मैंने बनाई, साथ में दिया जो दोशाक खाने का इन्फॉर्मेशन और 14 दिया जलाने का इन्फॉर्मेशन। कहीं पर भी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। वंस अगेन आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली, सेफ रहिए, पटाखे ना फोड़िए, मन है तो एक दो ही फोड़िए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट 3 इयर्स से हम लोग कोई फायर क्रैकर कुछ नहीं खरीद रहे हैं। अगर मेरे बात से बुरा लगता है तो प्लीज़ इग्नोर करिए, लेकिन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे दिए, सुंदर सुंदर लाइट, इसी से दीपावली मनाइए। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है दीपावली और रंगोली, सुंदर सुंदर रंग, रंगोली और दीप से सजा हुआ दीपावली। तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन, बाय ऑल, टेक।